हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जेएनके इंडिया आईपीओ का अलॉटमेंट का जो स्टेटस है कैसे देखने को मिलेगा और कहां देखने को मिलेगा और इसके अलॉटमेंट के रिगार्डिंग सारा कुछ चीज़ों को बड़ी विस्तार से इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, यदि आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया हुआ तो उससे क्या जेएमपी चल रहा है और अभी के अनुसार आपको कितनी की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है, इन सारे चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के उस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जेएनके इंडिया आईपीओ का अलॉटमेंट का जो स्टेटस है, जानने से पहले कुछ आपका इंपॉर्टेंट डेट्स और आपका डिटेल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला जो आपके लिए खास हो सकता है। तो दोस्तों, पहले उस पर नजर डालते हैं। इसके बाद अलॉटमेंट का जो स्टेटस है आपको स्टेप बाय स्टेप सारा डाटा आपके साथ साझा करते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपको देखने को मिला कि इसका जो आईपीओ मार्केट में आप देख सकते हैं दोस्तों कि 23 अप्रैल से शुरू होकर 25 अप्रैल के बीच आता हुआ दिखा होगा। और दोस्तों, इसका जो अलॉटमेंट का जो डेट रखा गया है वो आपको 26 अप्रैल के दिन होता हुआ दिखेगा, जो कि आपका फ्राइडे का दिन होने वाला है। और दोस्तों, यदि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को नहीं मिलता है ओवर सम्स के कारण, तो दोस्तों आपको जो पैसे हैं 29 अप्रैल के दिन आपको रिफंड आता हुआ दिखेगा, जो कि दोस्तों आपको सोमवार का दिन होने वाला है। और दोस्तों, यदि आपको इसमें लकी रहता है, आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिलता है, तो दोस्तों जो आपको शेयर है आपको डीमैट अकाउंट में 29 अप्रैल के दिन ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और दोस्तों, इसका जो आपको लिस्टिंग का जो डेट रखा गया है वो दोस्तों आपको 30 अप्रैल के दिन होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, ये तो आपको जो डेट्स और आपको मैंने डिटेल बताया काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखिएगा, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब दोस्तों, बात करें दोस्तों मार्केट में कोई भी आपका आईपीओ, तो सब कोई ना कोई आपका एक रजिस्ट्रार रहता है। और दोस्तों, इस आईपीओ केस में जो आपका रजिस्ट्रार रहने वाला है दोस्तों, वो आपका लिंक्डइन टाइम है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, यदि दोस्तों आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया हुआ है दोस्तों, क्या जीएमपी चल रहा है, ये भी आपको वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आपको कितने बंदों में से इसको अब जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस देखने को मिलेगा और इसका सब्सक्रिप्शन डाटा क्या निकल के आ रहा है, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उसका जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस है उस पर लेके चलते हैं। और उससे पहले आपको जो सब्सक्रिप्शन डाटा देख लेते हैं, ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपको परसेंटेज के चांसेस क्या मिल रहे हैं और आपको कितने बंदों में से अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा, ये भी आपको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, बात करें जेएनके इंडिया आईपीओ का सब्सक्रिप्शन डाटा के रिगार्डिंग, दोस्तों आपको देखने मिलेगा इसका सब्सक्रिप्शन डाटा काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है। और देख सकते हैं कि अभी आपका देख सकते हैं कि 28.46 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, जिसमें यदि दोस्तों यदि बात करें आपका बड़े प्लेयर को, तो आपको देखने मिलेगा कि बड़े प्लेयर ने आपका काफ़ी शानदार इसमें सब्सक्राइब डाटा करके निकल के आया है। और देख सकते हैं क्यूआईबी ने इस आईपीओ को अराउंड आपको बोल सकते हैं कि 75 टाइम सब्सक्राइब किया है और इनकी तरफ से सबसे ज़्यादा पैसा लगता हुआ दिख रहा है, जो कि आपका 9663 करोड़ का आपको इतना रुपया का एप्लीकेशन देख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करें क्या यदि आपको इचनाई, तो एचएनआई ने भी इस आईपीओ को ठीक ठाक सब्सक्राइब किया है और इनकी तरफ से 23.8 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। और ओवरऑल की बात करें तो एचएनआई की तरफ से देख सकते हैं कि 2319 करोड़ का टोटल एप्लीकेशन लगता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों, एचएनआई में भी आपका दो प्रकार की कैटेगरी होता है, एक आपका बिग एचएनआई और आपका स्मॉल एचएनआई। बिग एचएनआई मतलब 10 लाख से ऊपर वाले और स्मॉल एचएनआई मतलब 10 लाख से नीचे वाले निवेशक। तो देख सकते हैं इनकी कैटेगरी में देख सकते हैं 27 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और नीचे की कैटेगरी में देख सकते हैं कि आपको अराउंड 16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और इनकी तरफ से देख सकते हैं कि बिग चेन्नई की तरफ से 1801 करोड़ का टोटल एप्लीकेशन लगा है और स्मॉल चेन्नई की तरफ से 517 करोड़ का टोटल एप्लीकेशन लगता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका डाटा आपका बड़े प्लेयर का। अब दोस्तों, बात करिए यदि आपको इसमें रिटेल की, तो दोस्तों रिटेल भी आपका इसमें पीछे नहीं है और रिटेल को आपको देखने को मिला है रिटेल की तरफ से 4.20 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है और इनके तरफ से देखते हैं कि 955 करोड़ का टोटल एप्लीकेशन लगता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका सब्सक्रिप्शन डाटा और इसके अनुसार आपको डाटा देखने को जो मिल रहा है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात, यदि आपने रिटेल कैटेगरी से अप्लाई किया है तो कितने बंदों में से कितने बंदों को आपको अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, आपको देखने को मिला कि यदि आपने रिटेल से अप्लाई किया है तो दोस्तों आप इसे मान सकते हैं कि आपको लगभग 4 बंदों में से किसी एक बंदों को आपको अलॉटमेंट होता हुआ दिख सकता है। और दोस्तों, इन परसेंटेज की बात करें तो आपको देखने को मिला कि अराउंड आप मान सकते हैं कि 25% आपको अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा, जो कि आपको उसमें देखने को मिल रहा है। इन परसेंटेज यदि मान ले 100 बंदे अप्लाई किए हैं तो उसमें आपको 25 बंदों को आपको अलॉटमेंट होता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया इसमें आपको अलॉटमेंट के चांसेस और आपको सब्सक्रिप्शन डाटा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यदि आपने इस ऐप में अप्लाई किया है तो उसका जेएमपी क्या चल रहा है और कितने में आपको इस ऐप में कितने का और आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसका जेएमपी पे आपको लेके चलते हैं और आपको जेएमपी पे देखने को मिलेगा कि इसका जेएमपी जो आपका 0% करते हुए कल दिख रहा था, कल आपको दोपहर के दिन और उसमें आपको अचानक शूटअप देखने को मिला है और करंटली आपको काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा दिखे निकाल के दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आप इस वीडियो में और इस चैनल पर अंत तक बने रहे ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना होने पाए। तो दोस्तों, बात करें जेएनके इंडिया आईपीओ की जेएमपी की रिगार्डिंग, दोस्तों आपको देखने मिले इसका जेएमपी आपको 85 रुपये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि आपको लेटेस्ट जेएमपी देखने को मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों, बात करें इसका अपर प्राइस
स्पेंड करें तो दोस्तों आपको 415 रुपया है, दोनों को ऐड करने के बाद 500 रुपया निकल के आता है। यदि आप इन परसेंटेज गेन की बात करें तो आपको देखने को मिले कि आपको अराउंड आपका 21% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जैसा आपका सबसे डाटा निकल के आया है, इसके जीएमपी में आपका और भी आपको उछाल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप इस चैनल पर वीडियो में बने रहें। और दोस्तों यदि इसके जीएमपी की आपको हिस्ट्री पर आपको नजर डालें तो आपको देखने को मिला कि इसका जीएमपी आप देखेंगे पहले आपको 0 पर ट्रेड करते हुए दिख रहा था, फिर 0 के बाद फिर 15, फिर 25, फिर आप देख सकते हैं कि कल के दिन आपको इसमें दोपहर के दिन आपको इसमें 0 पर ट्रेड करते हुए दिख रहा था। फिर देख सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन डाटा काफ़ी आपको अच्छा निकल के आया, जिसके कारण इसके जीएमपी में आप देख सकते हैं कि 0 से आपको डायरेक्ट आपको 85 रुपये का इसने हाई लगाते हुए दिखा है, जैसा कि आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यदि आप इस आईपीओ में निवेशित हैं तो दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस है कैसे देखना है, और दोस्तों यदि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिलता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों हमें खुशी होती है कि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिला और आपको कुछ बेनिफिट होगा। तो दोस्तों ये तो हो गया इसकी जीएमपी और जीएमपी के अनुसार मिलने वाला प्रॉफिट। दोस्तों बात करिए यदि आपको अलॉटमेंट का स्टेटस के रिगार्डिंग, तो आपको देखने को मिला कि मार्केट में कोई भी आईपीओ आता है उसका जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस है आप उसे दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तो आप बीएससी के साइट पर जाके और दूसरा इसका जो रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। तो दोस्तों आपको वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बीएससी के साइट पर लेकर चलते हैं, उसके बाद आपको लिंक इन टाइम के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलेंगे। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो या थोड़ा भी कुछ आपको वैल्यूएबल पॉइंट देखने को मिले तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि बीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों आपको लेके आ गए हैं। दोस्तों यहां ने बताया आपको इसमें दो ऑप्शन शो कर रहा होगा, जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं इक्विटी और दूसरा आपको डेप्ट। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें इक्विटी सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। और दोस्तों इक्विटी सिलेक्ट करने के बाद पेज आपके सामने रिफ्रेश होकर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप इसमें दो तरीके से अपने अलॉटमेंट का जो स्टेटस है उसे चेक कर सकते हैं। पहला दोस्तों आपके ऑप्शन में एप्लीकेशन नंबर फिल कर सकते हैं और दूसरा आप इसमें पैन कार्ड नंबर भी फिल कर सकते हैं। दोस्तों मैं पर्सनली आपको पैन कार्ड नंबर फिल करके चेक करता हूं, इसलिए मैं आपको पैन कार्ड नंबर सजेस्ट कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों आप इसमें किसी भी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों पैन कार्ड नंबर इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि पैन कार्ड नंबर काफी इजीली आप इसमें एक्सेस भी कर सकते हैं और कितने बंदों को तो याद भी रहता है। इसके बाद दोस्तों में क्या करना है कि आपको इसमें कंपनी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जेएनके इंडिया का मैंने नाम आ रहा था और इसमें मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि पैन कार्ड नंबर फिल करने के बाद इसके बाद इसमें आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको इसके बाद क्या करना है कि आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इस तरह इन इजी स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली अपना अलॉटमेंट का जो स्टेटस है उसे देख सकते हैं और अपने जान सकते हैं कि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल रहा है कि अलॉटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो थोड़ा कुछ वैल्यूएबल पॉइंट देखने को मिले या आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसका जो लिंक है आपको बीएससी का लिंक जो मैं आपको दिखा रहा हूं और इसका जो रजिस्ट्रार का लिंक है दोनों आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें बिजली अपना क्लिक करके अपने जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस उसे चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसका जो रजिस्ट्रार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपको लेके चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाते हैं कि कैसे आप अलॉटमेंट का जो स्टेटस उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिंक इन टाइम के ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों आपको इसमें लेके आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें अलग अलग ऑप्शन शो कर रहा होगा और आप अलग अलग तरीके से अपने जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस है उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला जिसमें आप तरीका आप देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं कि आपको पैन कार्ड नंबर हो गया, दूसरा देख सकते हैं कि आप इसमें एप्लीकेशन नंबर से अपना जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस चेक कर सकते हैं, और तीसरा आप देख सकते हैं कि DP ID ऑब्लिक क्लाइंट ID से भी चेक कर सकते हैं, और चौथा जो आपके पास ऑप्शन आपके पास बचता है देख सकते हैं कि आपका अकाउंट नंबर हो गया और आपका IFSC कोड हो गया। तो दोस्तों इन आपका अलग अलग तरीके से आप इसमें अलॉटमेंट का जो स्टेटस है उसे देख सकते हैं और अपना जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं तो दोस्तों मैं आपका पैन कार्ड नंबर से ही प्रीफर करता हूं। और दोस्तों आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि आप पैन कार्ड नंबर सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि दोस्तों पैन कार्ड नंबर इजीली अवेलेबल रहता है और कितने बंदों को तो याद भी रहता है। इसके बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं कि इसमें कंपनी का नाम सिलेक्ट करना है। दोस्तों कंपनी का नाम सिलेक्ट देख सकते हैं इसमें आ नहीं रहा है, तो दोस्तों आप इसमें क्या करना है कोई भी आपका नाम कभी मैंने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन जैसे इसमें आपको स्टेटस आ जाएगा आपको इसमें शो करने लगेगा। इसके बाद दोस्तों पैन कार्ड फिल करने के बाद क्या करना सबमिट बटन पर क्लिक करना है, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल रहा है अलॉटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह इन इजी स्टेप्स को फॉलो करके आप इतना जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस है उसे चेक कर सकते हैं और उसमें जान सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और दोस्तों आपको इस वीडियो थोड़ा भी वैल्यूएबल पॉइंट देखने को मिला हो या आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।